मतलब ड्राइवर को फ़ोन किया दूसरे ड्राइवर का कि आपका गाड़ी का भैया ड्राइवर का गोली मार करके मतलब कब थमेगा हाईवे पर तस्करी व वसूली का खेल। शाम ढलते ही हाईवे पे मौत का तांडव शुरू हो जाता है। आए दिन वसूली का मामला सामने आता है। हर वाहन चालक से वसूली की जाती है। पैसे नहीं देने पर बाहुबली ठेकेदार मारपीट करते हैं और तो और चालक को मौत के घाट तक उतार देते हैं। आखिर इस मामले में प्रशासन कोई सूद क्यों नहीं ले रही है? इस विषय पर प्रशासन कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? कहीं प्रशासन का भी इसमें मिलीभगत तो नहीं है? आए दिन यह वारदात कई सवाल खड़े करते हैं। ताज़ा मामला भागलपुर पुलिस जिला के सबौर थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव के पास की है। इंडिया ईट भट्टा के समीप NH-80 मुख्य मार्ग पर मंगलवार सुबह अपराधियों ने लूटपाट के क्रम में पिकअप ट्रक चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताते चलें, जिस वक्त घटना हुई इस वक्त अंधेरा था, वहीं NH पर आवागमन भी कम थी। गोली मारने के बाद अपराधी लूटपाट कर वहां से फरार हो गया। इधर ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के तुरंत ही इसकी सूचना सबौर पुलिस को दी गई। वहीं घटना के एक घंटे बाद तक घायल वहीं तड़पता रहा और पुलिस दो घंटे बाद जब मौके पर पहुंची तब तक चालक की मृत्यु हो चुकी थी। गांव वालों का ये भी कहना हुआ कि यह पहला केस नहीं है। इससे पहले भी नज़दीकी थाना किसी भी वारदात में कई घंटे लेट पहुंचती है, जिससे बात और भी बिगड़ चुकी होती है। मृत चालक राहुल कुमार 28 वर्षीय बताए जा रहे हैं। पिता रामबलि यादव ग्राम ननसुता बिघा जिला नालंदा का निवासी बताया जा रहा है, जो कि बिहार शरीफ के छबीलापुर के सब्जी मंडी से आम लाने कहलगांव के शिवनारायणपुर जा रहा था। वहां पर मौजूद अन्य ट्रक चालकों व ग्रामीणों के अनुसार बताया गया कि मृतक लगभग कई घंटे तक दर्द से तड़पता रहा, कराहता रहा, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। मृतक सुबह 5:30 बजे तक जीवित था, लेकिन पुलिस सुबह 7 बजे पहुंची तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। सबौर पुलिस ने सबको अपने कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बात की जानकारी मृतक के नालंदा में रहने वाले परिवार वालों को भी दी गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के वाहन मालिक राजेश कुमार को 2 बजे रात्रि में यह सूचना मिली और 2 बजे रात्रि में ही उन्होंने नज़दीकी थाने को इत्तला करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं किया गया। फिर सुबह 6 बजे सुबह थाने से बात हुई। वह वारदात स्थल पर 7 बजे पहुँचे। साथ ही वाहन चालक राजेश कुमार का कहना है कि उसके पास करीब 5,000 नगद थे जो नहीं मिले, लेकिन उसका मोबाइल घटनास्थल से बरामद कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ मृतक के पिताजी का भी कहना हुआ कि पुलिस अगर समय पर पहुंच जाती तो शायद मेरे बेटे की जान बच सकती थी। यही है बिहार की सुशासन व्यवस्था। भागलपुर से संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। इसी बीच अचानक कोई बदमाश या गुंडा चोरी गोली मार दिया उसको, लेकिन वो बच रहा था। प्रशासन न जाने के कारण मेरा बेटा 4-5 घंटा बचा, लेकिन प्रशासन उस वक्त ज्यादा था मेरा बेटा बच जाता। आपको इसकी सूचना कैसे मिली? हमको सूचना गाड़ी के मालिक ने। आपके बेटे के रंजिश था किसी के साथ? किसी से नहीं, कोई से नहीं। आपको क्या लगती है पुलिस आती तो बच जाता? अगर बेटा पुलिस आता तो बच जाता। ड्राइवर कह रहा। आपको क्या लगता है पुलिस की लापरवाही से उसकी मौत हुई? हाँ बाबू।